नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हमले तेज हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन से किसी को भी खतरा हो सकता है। देश में कांग्रेस आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस में स्लीपर सेल है, यह स्वीकार करना भूपेश बघेल जी का, इसका मतलब है कि कांग्रेस एक आतंकी संगठन है और उस आतंकी संगठन से जन सामान्य से लेकर किसी को भी खतरा हो सकता है। और भूपेश बघेल जी के बयान के बाद जो रामकुमार शुक्ला जी का बयान आया है, उसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है। कोई भी स्लीपर सेल वाला उसकी हत्या कर सकता होगा, यह आशंका उनको है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस भी दावा कर रही है 11 सीटों का, आप लोग भी दावा कर रहे हैं 11 सीटों का। 1990 से रिकॉर्ड देख लीजिए तो कांग्रेस का दावा क्लियर हो जाएगा कब वो पूरी सीट जीती। 1990 से रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं तो आज की बात नहीं करता, 89 से। तो इसलिए कांग्रेस का काम कहना है, करना नहीं है, वो चुनाव निश्चित तौर पे हार। नेत्रहीन को शिव पूजा करने से 3 साल बाद आंखें मिली। जी हाँ, अक्सर आपने फिल्मों में ऐसा ही देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि एक व्यक्ति को आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था, मगर 3 साल बाद दिखाई देने लगा। इस घटना को ग्रामीण किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे, और आपको शायद यकीन भी ना हो, लेकिन यह घटना भिंड जिले के सरसई गाँव की है, जहाँ ग्रामीण एक परिवारजनों ने बताया कि सुनील राजावत की 3 साल पहले आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। उसके बाद सुनील के परिजनों ने उसे कई जगह आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से इलाज करवाया, मगर डॉक्टरों की ओर से जवाब मिला कि आंखों तक रोशनी पहुंचाने वाली नसें सूख गई हैं, जिसके कारण उन्हें दिखाई नहीं देगा। हाँ, 3 साल तक बराबर नहीं दिखाई दिया था, अब दिखाना चालू हो गया। ये मंदिर पे आते रहे तो सुबह से लेकर जहाँ पे बैठते शाम तक कहीं नहीं जाते थे। इलाज नहीं कराया जाता था? इलाज तो सब जगह अहमदाबाद, गुजरबाब, बेंगलोर, चेन्नई, सब जगह कराया, चित्रकूट और कौन सी मंदिर और एक और है वहाँ पे भी गए थे। डॉक्टरों ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला आंखों की नसा सूख गई, कोई रोशनी आएगी नहीं, कभी अपने आप आ गई। फिर वो आने लगे, यही बस यही बिल्कुल समझा, सुबह से लेकर शाम तक यहीं पे रहते, यहीं का सारा पकड़ दिया, घर में जाते नहीं थे, शाम को 8 बजे घर में जाते। कैसे, कब आई आंखें? आंखें तब होली के 2 दिन पहले आए। कैसे आई? यहाँ पे आए अपने बिना पूजा वूजा करी, पूजा करके घर जाने लगे, घर जाके रास्ते में आंख आई उनकी, वहाँ पे डॉक्टर के पास पहुंचे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह राजावत। और कोंडागांव में डीएनके कॉलोनी स्थित सिगरेट हार्ड कैथोलिक चर्च में शुक्रवार को गुड फ्राइडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यीशु पर आस्था रखने वाले लोगों ने प्रभु ईसा मसीह के संदेशों और बलिदान को याद किया। इस अवसर पर क्षेत्र के ईसा समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बता दें कि रविवार की रात ईस्टर पर्व का आयोजन किया जाएगा। मैं फादर दीनबंधु कुजूर सेक्रेट हार्ट चर्च कोंडागांव का फादर हूं। आज गुड फ्राइडे के पावन अवसर पर यहां पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कोंडागांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सभी विश्वासीगण इन प्रार्थनाओं में भाग लिए और विशेष प्रार्थना सभा के बाद पवित्र क्रूस रास्ता का आयोजन किया गया था। इस क्रूस रास्ता में हम ईसा मसीह के दुख भोग और उनके बलिदान को याद करते हैं, जो उन्होंने क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी थी। विशेष प्रार्थना सभा के बाद सभी ईसाई समुदाय के लोग ईसा मसीह के क्रूस का चुंबन करते हैं और आज एक दुख के दिवस के रूप में मनाते हुए यहां से आशीष प्राप्त करके अपने अपने घरों को जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भिंड पुलिस अधीक्षक असित यादव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के द्वारा चलाए जा रहे
मुस्कान अभियान के तहत की गई कार्रवाई में लहार थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल लहार थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 9 के कस्बा लहर से दो नाबालिग लड़कियां एवं एक नाबालिग लड़का गायब हो गया था। तीनों आपको बता दें कि अपहर्ताओं को पुलिस ने दिल्ली गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। लहार में 28 फरवरी को एक रिपोर्ट आई थी कि एक नाबालिग लड़का गुम हो गया है, तथा अगले दिन 29 फरवरी को एक रिपोर्ट आई कि दो नाबालिग लड़कियां चली गई हैं। तीनों ही मामलों में 363 भादाबी के तहत कायमी की गई थी। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पाया कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपस में उनका संपर्क है। उसके बाद एक टीम डॉक्टर असित यादव जी सीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संजीव पाठक जी के निर्देशन में एक टीम लगातार हमारी इस पर वर्कआउट कर रही थी। तकनीकी की मदद से हमने गुड़गांव हरियाणा से आज दोनों नाबालिग लड़कियों को तथा नाबालिग लड़के को दस्तयाब किया है। आगे इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे इसमें अब उनके बयान होने हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने उनको प्रस्तुत किया जाएगा। महिला अधिकारी द्वारा उनके दोनों बालिकाओं के बयान आएंगे, जिस हिसाब से उनके कथन होते हैं उस हिसाब से आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और चित्रकूट धाम की 84 कोसी बृहद परिक्रमा के लिए संतों का जत्था हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यात्रा पर है। संत श्रद्धालुओं का जत्था अपने यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को निपनिया, ककराहा, मकरी, बागे गंगा उद्गम के दर्शन करते हुए पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि संतों की 84 कोसी परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रजपुर पहुंचने पर उनका स्वागत भी किया गया। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों पर शिवपुरी पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शिवपुरी जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों से स्मैक और गांजे की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कल कोतवाली पुलिस को मुखबिर से दो अलग अलग जगह सूचना प्राप्त हुई थी। एक में रातौर जो रेलवे अंडरब्रिज है वहां से एक आरोपी से एक ऑटो सहित 5 किलो 300 ग्राम गांजा एवं एक अन्य जगह जो अपना बड़ौदी त्राहा है होटल ग्रीन व्यू के पास वहां से एक आरोपी से 18 ग्राम इसमें कीमती लगभग 1,80,000। ये दोनों कार्रवाई पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 8/20 एवं 8/21 के अंतर्गत की है और पुलिस लगातार अपने मुखबिरों को एक्टिव कर ये कार्रवाई कर रही है। जैसा कि हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की मंशा है कि शिवपुरी शहर में जो नशे का ज़्यादा प्रकोप है उसको नशा मुक्त करना है, इस तारतम्य में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर इन पर कोई स्मैक की और पूर्व के इनके अपराध रिकॉर्ड हैं जो प्रकरण में संलग्न किए गए हैं। ये कहां से लाए थे, कम कैसे लिए इस संबंध में इनसे आरोपियों से पूछताछ की गई है, उनके द्वारा जो बताया गया है और जिन व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं उन पर भी पुलिस जांच कर कार्रवाई कर रही है। गांजे की सर कितने किलो? करीबन गांजे की लगभग 50,000 है एवं ऑटो की कीमत 1,00,000 है। टोटल 1.5 लाख का गांजे की कार्रवाई मशरू का जब्त किया गया। दोनों शिवपुरी के निवासी? हाँ, दोनों शिवपुरी के रहते हैं। और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है। प्रदेश में कई जिलों में तेज हवा के बाद शनिवार को आधे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मार्च को प्रदेश के 21 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी, पांडुंडा और बालाघाट जिला शामिल है।